तो मेरी हेल्प करेगी? करूंगी पापा। मैं भी तो रुकी आपकी हेल्प। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी करती हूँ। नहीं नहीं इतनी बेइज्जती होगी। मैंने व्लॉग में आना ना, मैंने भी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आपको पता है हमारे घर पे एक आर्टिस्ट है और सबको एक्साइटमेंट होती है कि एक आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती होगी। आपको वो हर बार कहते रहते हैं कि मेरा होम स्टूडियो है, पर दिखाया नहीं कभी अच्छे से। आपने आज तक ना स्टूडियो बहुत देखे होंगे जो सिंगर्स होते हैं, पर एक कॉमेडियन का स्टूडियो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो आइए पापा। पापा पापा इधर देखो। अरे सॉरी सॉरी, मैं आवाज अपनी साफ कर रहा था। आवाज पता नहीं खराब सी आ रही थी मेरी, पता नहीं या गला खराब होगा तो इसलिए मैं थोड़ा कर रहा था। चलो कोई बात नहीं। वाह वाह, अरे यहाँ क्यों बना रहे हो? मैंने आज ये सोचा कि आज मैं आपका स्टूडियो दिखाऊंगी सबको। ये तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा मतलब एक सेकंड थोड़ा बता दिया करना मेरे को बेटी, जब आती हो ना एकदम ना ले आया करना। पापा ये चश्मा क्यों लगा रहे? नहीं नहीं, इसमें थोड़ी फिर शर्म नहीं आती। इसमें मुझे बड़ी शर्म आ रही है, इसको निकाल दो, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, ये तो चाहती है कि सुंदर मैं ही लगूं। हाँ जी बोलो जी। तो दिखाओ अपना स्टूडियो जो आपने बनाया हुआ है। देखिए जी, ये मेरा स्टूडियो नहीं है, स्टूडियो तो मेरा ऊपर बन रहा है। तो अब क्या है कि जगह इतनी है, ये डाइनिंग टेबल है और यहाँ पर मैंने सामान आके अपना रख दिया है कि ताकि ख़राब ना हो जाए। बाकी ये मेरे कुछ कपड़े हैं, ये तो ऊपर मेरी अलमारी बहुत अच्छी बन रही है, जब आप ऊपर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो ऐसे मेरी बेइज्जती कराने आ गई है। मैंने ये सोचा कि मैं उनको ये भी दिखा दूं कि एक आर्टिस्ट ऐसे भी रह सकता है। नहीं ऐसे ही रहते हैं, हम तो हैं ही ऐसे, असल में जिंदगी हमारी यही है। और मैं आपको बताऊं, मजा भी ऐसे ही है यार। कोई भी इंसान चाहे अंबानी साहब क्यों ना हो, तो वो भी अपने घर पे जब सोते हैं तो वहां पे ये थोड़ी कि मैं इतना अमीर हूं, वो तो ऐसे होते हैं ना। ठीक है ना, जैसे अब ये देखो मेरी वाइफ बैठी, इधर आ जा। चल ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेरी वाइफ है। कोई है घमंड, मतलब ही नहीं बनता। और साक्षी, लोग तो सोचते होंगे कि मैं इतना मजाक करता हूँ इसको, बिल्कुल सच्ची बता कि जब मैं कॉमेडी में तुम्हें मजाक करता हूँ तुम्हें बुरा लगता है? जैसे मैं कभी कभी तुमको बोल देता हूँ कि बिल्लो तो जी ऐसे करती है, बिल्लो वैसे करती है, तो तुम्हें बुरा लगता है? जैसे मैं कई बार ये कर देता हूँ कि बिल्लो रोटी टाइम पे नहीं बनाती, मुझे खुद बनानी पड़ती है, तुम्हें बुरा लगता है? जैसे तू गाना गाती है मैं कान बंद कर लेता हूँ, क्या तुम्हें बुरा लगता है? मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे आपकी परवाह है, मैं ध्यान रखती हूँ आपका। अब बोलो, मैंने बोल दिया जो बोलना था। दोस्तों सच्चाई ये है कि ये मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी हर बुराई जो है वो भी इसको अच्छी लगती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्टूडियो बनाया, इसको ज़्यादा खुशी है कि ये बेड के पास ही स्टूडियो बनाया तो रौनक लगी रहती है, दिल लगा रहता है। क्यों भाई, है कि नहीं रौनक? इतना गंद खिलरा हुआ मुझे नहीं अच्छा लगता। साक्षी कुछ ज़्यादा नहीं बेइज्जती हो रही? बहुत ज़्यादा हो रही पापा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, बेइज्जती तो अपनी हो गई है, लेकिन मेरा ऊपर जो रूम बन रहा है, स्टूडियो बन रहा है, वहाँ पे मैंने अंदर अलमारियाँ बना ली हैं, ये सारे कपड़े वहीं लगा देने हैं, ऊपर भी पड़े हुए हैं। तो मेरी हेल्प करेगी? करूंगी पापा। मैं भी तो रुकी आपकी हेल्प। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी करती हूं। नहीं नहीं इतनी बेइज्जती होगी, मैंने व्लॉग में आना ना, मैंने भी। देखो यहाँ पर भी लालच है, मैं सोच रहा हूँ प्यार है। आजा आजा, पब्लिसिटी सबको चाहिए, आजा आजा। हाँ जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं ऊपर। मेरे पे जो इल्ज़ाम लगे हैं कि ये बड़ी गंदगी डाल के रखता है, कपड़े बिखेर के रखता है, ये सारे इल्ज़ाम है, क्योंकि नीचे थोड़े से कपड़े हैं और इन लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिए। लेकिन मैं ऐसे रहता हूँ, देखो यहाँ पे कोई आपको लग रहा है? देखो क्या है, इतनी सफाई आपने कहीं देखी है? कभी हो ही नहीं सकता। अरे दूर दूर से लोग हमारे यहाँ फोटो खींचने आते हैं कि घर हो तो ऐसा। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। उसमें ये भी था ना पापा, स्वर्ग में कैसे आए मच्छर, यहाँ मच्छर नहीं, यहाँ कपड़े। मच्छर कपड़े। मच्छर से याद आया, शिखा भी आने वाली है। तो चलो अंदर चलते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि आज हमारे अरे वाह वाह, चलो जी शिखा भी आ गई। सब लोग कहते हैं शिखा नहीं है, शिखा को बहुत मिस करते हैं। तो मम्मी कहाँ? मम्मी को बड़ी अर्जेंट नींद आई। कमाल है, इसको नींद कैसे, अभी रात के 2 बजे हैं यार, कितनी आलसी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आप कपड़े बिखरे हुए, ये जो जूते देख रहे हैं, ये सारा सामान, ये मेरा पैशन है, ये मुझे नजर आता रहे ऐसे बिखरा हुआ। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा मैं बताती हूँ आपके बारे में, रुको। जब किसी के घर में सामान बिखरा हो ना, बेड पे ऐसे खिलारा मचा हुआ है, तो कोई भी आकर यही कहेगा ना कि ये क्या है, किसने गंद मचाया हुआ है, मैं तो सफाई करके गया था। पापा का उल्टा ही सीन है, ये सफाई किसने की है, मैं तो गंद फैला के गया था, ये किसने की?
उसका कारण है मेरी आदत है कि जहां पे चीज पड़ी हो मुझे वहीं से मिलनी चाहिए। मैं क्या कर, मैं सोया होता मुझे पता है इधर मोबाइल रखा था है, इधर चश्मा पड़ा है। जब मैं ऐसे कर रहा नजर नहीं आता ना, मेरे को प्रॉब्लम होती है। मैं तो बाथरूम में जाता हूँ ना, तो मेरे को वो चीजें ना मिले, साबुन वो ना मिले, वो शैम्पू, तो मुझे लगता है मेरा कहाँ, वो मनी ले जाता है उठा के। और एक बात इनको भी पता है, सबको पता है कि मैं जानबूझ के भी करता हूँ कि रूम शुरू कर लिया, कभी स्टूडियो बनाना शुरू कर दिया, कभी किचन, कुछ ना कुछ करते रहना। जैसे वॉलपेपर लेने गए हैं, बच्चे साथ में हैं, कभी घर पे दिखा रहे हैं ये कैसा रहेगा, ये सन में का, तो एक जुड़े रहते हैं आपस में, मतलब कि माहौल बना रहता है। बड़े चलाक है, झूठ बोल रहे हैं। जब भी काम शुरू कराते हैं, कभी अपने रूम का काम करा रहा हूँ, आज मैं अपना स्टूडियो रेडी करवा रहा हूँ, करना अपना ही है। देखो जी, स्टूडियो मैंने बनाया है कि मैं वहाँ पे म्यूजिक बनाऊंगा, वहाँ पे गाने गाऊंगा, और ये वहाँ पे आके अपने भी लोग कर रही होती है एडिट। अच्छा पापा की मुझे एक बात याद है कि जब भी मैं अपने रूम में डांस करती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, तब पापा ने नहीं आना। जब मैं गाना गाना शुरू करती हूँ ना, पापा ने मेरे रूम में आ जाना है। मतलब संगीत में कितनी ताकत है। ताकत नहीं बेटे, मेरे कान फटते हैं जब ये गाती है ना, मेरे कानों से पता नहीं क्या प्रॉब्लम, फिर मैं इसको बंद कराने जाता हूँ, लेकिन जब सामने देखता हूँ गा रही होती है, मैं तरस आया था, मैं कहता हूँ वाह वाह क्या बात है, ऐसे करके नहीं बैठा। पापा ने बदला ले रहे हैं, मतलब तारीफ ही पूरी कर देता है। तो तुम लोग मेरी तारीफ कर रहे हो, शिकायतें लगा रहे हैं यहाँ पे। चलो चलो अंदर कपड़े उठाओ, चलो चलो अंदर। कपड़ों से मुझे भी एक बात याद आ गई है। सुना दे तू भी सुना। कभी कभी क्या होता है कि मनी के कपड़े पापा की अलमारी में पहुंच जाते हैं, पापा के मनी की अलमारी में, मनी आ जाते डाल के, यार मैं पतला नहीं हो गया, खुले खुली लग रही टी शर्ट, और पापा डाल के आते टाइट, पापा को वहम हो जाता है ये मैं मोटा तो नहीं हो गया। फिर इनको बताना पड़ता है कि यार ये आपके कपड़े नहीं, हमने एक दूसरे के पहने हुए हैं। इतनी बढ़िया बात रही है, फिर भी नहीं बोला मैं, कपड़े उठाने पड़ेंगे। चलो चलो